हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग कॉलेज के लिए। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी, वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं द स्केड्यूल कमेटी ऑफ द काउंसिल इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 3 फरवरी 2022 हैज अप्रूव्ड 10% सुपर मेनवरी सीट फॉर फॉरन स्टूडेंट इन ऑल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम JNM टू MSc नर्सिंग एंड क्लिनिकल स्पेशलिटी कोर्स। हाउ इवर सुपर मेनवरी सीट बिल बी 25 ऑफ टोटल सीट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13 एंड 14 INC एक्ट 1947 फॉर द इंस्टीट्यूशन विच हैव पेरेंट हॉस्पिटल ऑफ मोर देन 300 बेड आर मोर देन दिस विल अप्लाई टू दोज इंस्टीट्यूशन विच आर फाउंडेड सुटेबली बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल अंडर सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ INC एक्ट 1947। Further, this super minority quota of foreign student will not be filled by any other quota general seats. The above shall be uploaded in the nursing admission module available under nurses registration and tracking system NRTS in order to know the total number of foreign admission from 2022-23 academic year. तो दोस्तों यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि सुपर मेनवरी सीट के तहत फॉरेन स्टूडेंट को जो एडमिशन दिया जाता है उसके लिए यहाँ पे अपडेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जिसमें बताया है कि आपको 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और इसको आपको मैं हिंदी में पढ़ के भी दिखा देता हूँ, तो वीडियो से जुड़े रहें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या बताया गया है कि परिषद कार्यक्रम की समिति ने 3 फरवरी 2022 को हुई अपनी मीटिंग बैठक में JNM से लेके MSc नर्सिंग और क्लिनिकल स्पेशलिटी, दोस्तों यहाँ पे क्लिनिकल स्पेशलिटी कोर्स के लिए है, और सभी नर्सिंग संस्थानों कॉलेजों में विदेशी छात्रों के लिए 10% सुपर न्यूमरी सीट को मंजूरी दी है। INC अधिनियम 1947 के धारा 13 और 14 उन संस्थानों के लिए जिनके पास 300 बेड या उससे अधिक का मूल अस्पताल है, यह उन संस्थानों पर लागू होगा जो INC अधिनियम 1947 की धारा 13 और 14 के तहत भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं। आगे विदेशी छात्रों को यह अतिरिक्त कोटा किसी अन्य सामान्य कोटे की सामान्य सीटों से भरा नहीं जाएगा। दोस्तों अभी तक क्या होता था, हो सकता है INC नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे जैसे कि बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया या और जो भी हॉस्पिटल हो गए, दोस्तों बड़े हॉस्पिटल हो गए, उन हॉस्पिटलों में क्या होता है और क्या होता है कि जैसे अपन नॉर्मल सीट को भर के दूसरे बच्चों को ले लेते हैं, फॉरेन के स्टूडेंट को ले लेते हैं, जहाँ पे उनको फीस वगैरह अच्छी मिलती होगी, उनकी जो फीस आती होगी वो ज़्यादा मिलती होगी, इसकी वजह से लेते होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए INC ने नोटिफिकेशन जो जारी किया है कॉलेजों के लिए जारी किया है, और ये बोला है कि 2023-22 के जो शैक्षणिक वर्ष हैं तो विदेशी प्रवेश की कुल संख्या जानने के लिए उपयुक्त को नर्स पंजीकरण ट्रैकिंग सिस्टम NRTS के तहत उपलब्ध नर्सिंग प्रवेश मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये बताया है कि आपने जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट को आपने एडमिशन दिया है उन सब के लिए जो NRTS इसने लागू किया है INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, उसके अनुसार उसमें सारी जानकारी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा एक लेटेस्ट में अपडेट जो जारी किया है उसको भी दिखा देते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जो है 18 मई 2022 को जारी की गई है, ये भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी की गई है, जिसमें एडमिशन क्राइटेरिया और मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग व्हाइल मेकिंग एडमिशन टू वेरियस नर्सिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी नर्सिंग स्कूल हैं और नर्सिंग कॉलेज हैं उन सभी के लिए अपडेट नोटिफिकेशन बताया है, जिसमें कहा है कि देयर आर इंस्टेंस वेयर द कैंडिडेट्स आर एडमिटेड टू नर्सिंग प्रोग्राम विदाउट वेरीफाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन एडमिशन क्राइटेरिया लेट डाउन बाई द इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर डिफरेंस नर्सिंग प्रोग्राम रिजल्टिंग इन डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब नॉर्म मेंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नर्सिंग एडुकेशन एज ए रिजल्ट सच क्वालिफाइड कैंडिडेट मे नॉट बी एबल टू गेट ए रिसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट एंड हैव टू प्रैक्टिस विद इन द स्टेट वेयर दे आर where they have qualified. In order to avoid the situation, the school college of nursing while admitting the candidate are required to adopt a strict measure to assess and ensure that the minimum
एडमिशन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल इन ईच केस ऑफ एडमिशन। दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, अब इसको हिंदी में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए भी मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रखा हूँ। अब यहाँ क्या देख सकते हैं कि प्रवेश मानदंड न्यूनतम आवश्यकता के संबंध में विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश करते समय स्कूल ऑफ नर्सिंग या कॉलेज ऑफ नर्सिंग को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण हैं जहां उम्मीदवारों को अंतर नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता प्रवेश मानदंड के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकताओं को सत्यापित किए बिना ही नर्सिंग कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नर्सिंग शिक्षा की एकरूपता के लिए निर्धारित मानदंडों से विचलन होता है। परिणाम स्वरूप ऐसे योग्य उम्मीदवार अन्य राज्यों में पारस्परिक पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते और उन्हें उस राज्य के भीतर अभ्यास करना होगा जहां उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। तो दोस्तों आप यहां समझ गए होंगे कि जैसे यदि आप अदर स्टेट में एडमिशन लेके और वहां पढ़ाई कर लेते हैं और वहीं का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उस दौरान इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो बताया है कि आपको जहाँ से भी आपने जिस राज्य से भी आपने अभ्यास किया है, पढ़ाई किया है और जहाँ से आपने योग्यता प्राप्त किया है, वहीं से आपको क्या करना होगा, एडमिशन के साथ में वहीं पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये नर्सिंग कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई नर्सिंग प्रोफेशनल इसको देख रहा है तो जो भी आपके नर्सिंग फ्रेंड हो तो सबको जरूर शेयर कर दें ताकि सभी तक अपडेट ये पहुंच सके दोस्तों। और ये नर्सिंग का नॉलेज यदि आपके पास में है तो प्लीज शेयर जरूर कर दें एक दूसरे को, ताकि लोग परेशानी से बच सकें जो भी आपके जूनियर होंगे, पढ़ने वाले होंगे। तो दोस्तों आपके नर्सिंग ग्रुप में फ्रेंड को जरूर शेयर करते हैं इस जानकारी को। और आगे की आप पढ़ सकते हैं कि स्थिति से बचने के लिए स्कूल ऑफ नर्सिंग ने उम्मीदवारों को प्रवेश से देते समय मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त उपाय अपनाने की आवश्यकता है कि प्रवेश के प्रत्येक मामलों में न्यूनतम प्रवेश आवश्यकता को पूरी हो। और दोस्तों ये अधिक जानकारी के लिए आपको कॉलेज में इन सभी की जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जरूर इसके बारे में पूछ लें नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कोई अदर यदि आपके पास में कोई जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से सभी तक आपका जानकारी सभी तक पहुँच पाएगी। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।